नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। एलएसी पर बीती रात चीनी सेना ने फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका तो चीनी सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर किया ताकि भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाया जा सके। इतना भड़काने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और मैच्योर तरीके से बर्ताव किया। भारत का कहना है कि चीन जानबूझकर उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सेना ने किसी भी मौके पर फायरिंग नहीं की है। पिछले 80 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है जब से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। 15 जून को गलवान घाटी में चीन की तरफ से जो हरकत हुई उसका भारत ने करारा जवाब दिया। गलवान घाटी में विवाद के बाद से दोनों देश बातचीत कर विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन की नीयत पर किसी को भरोसा नहीं है। वो बात तो करता है लेकिन पीछे से धोखा देने की भी सोच रखता है। और एक बार फिर से उसने 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। एक तरफ जहां चीनी सरकार शांति का दिखावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ वहां की सरकारी मीडिया जंग को लेकर उकसावे वाले बयान देने से बाज नहीं आ रही है। दोनों एशियाई दिग्गज देशों के बीच कई स्तरों की बातचीत सैन्य कमांडरों के बीच हुई, हालांकि इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत सैन्य से हटकर राजनीतिक छोर पर जाते दिख रहे हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री पिछले हफ्ते रूस की राजधानी में मुलाकात कर गतिरोध को खत्म करने की कोशिश करते दिखे। 4 महीने पहले लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। पिछले हफ्ते ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए सिरे से उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया था। साथ ही सेना ने एक दूसरे पर एलएसी को पार करने का भी आरोप लगाया था। अब चीन का इतिहास जानने वालों को पता है कि वो कभी भी उस समय युद्ध नहीं करता है जब उसके दुश्मन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इस समय भारत पूरी तरह से तैयार है। पिछले हफ्ते सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लेह और लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए थे। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा था कि सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण और गंभीर है, पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। सो तय माने कि ऐसी स्थिति में चीन कभी युद्ध नहीं चाहेगा। वो भारत के लापरवाह होने और अंतर्राष्ट्रीय हालात के अपने अनुकूल होने का इंतजार करेगा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय हालात उसके अनुकूल नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में वो नाराजगी का केंद्र बना हुआ है। हालांकि दुनिया में चीन इकलौता देश है जिसे रोकना हर किसी के लिए जरूरी है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन, फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। इन देशों के साथ चीन का किसी न किसी मुद्दे पर विरोध है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है, जिसके जरिए वो नासमझी और मूर्खता के नए पैमाने गढ़ रहा है। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे HS न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।